फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। उसके लिए मैंने एक कटोरी के करीब मूंगफली लिया है। इसे मैंने 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर भून लिया है, छिलकों को हटा दिया है और दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। और जितना मूंगफली लिया है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। दोनों की क्वांटिटी को बराबर रखना है। एक चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे। घी को डाल देंगे पहले। गुड़ को भी डाल देंगे। इस घी से जो हमारा ये गुड़ है इजीली मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है। अब इसे हमें गैस को थोड़ा कम कर देना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें मेल्ट होने देना है। ये देखिए, एक मिनट के अंदर हमारा ये गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो किनारों से ये जल जाता है। इसे लगातार चलाते हुए इसका कलर डार्क हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। जब कलर डार्क हो जाएगा तो हम एक बार इसे चेक करेंगे। पानी में एक दो बूंद डालेंगे इस सिरप का, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी सिरप परफेक्ट हुई है कि नहीं। इसे लगातार इसी तरह चलाते हुए 3-4 मिनट तक हमें पकाना है। गुड़ की चाशनी को हमें पकाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, चाशनी एकदम से फूली फूली लग रही है, इसमें झाग से बन रहे हैं, कलर भी हल्का चेंज हुआ है। हम 1 से 2 मिनट इसे थोड़ा और पकाएंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे। लगातार हिलाते हुए पकाना है हमें। कलर डार्क हो रहा है, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हम ठंडे पानी में 1 से 2 बूंद इसकी डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे तोड़ के देखेंगे। अगर ये चिपचिपा होगा तो ये नहीं बना है और परफेक्टली अगर टूट जाएगा, चिक्की की तरह टूटेगा, यानी ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे तोड़ के देखते हैं। ये अभी खिंच रहा है हल्का सा, इसमें अभी हम थोड़ा सा और पका लेंगे इसे। ये देखिए, हमने आधा एक मिनट और पका लिया है। अब एक बार फिर हम चेक करेंगे इसे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसे तोड़ के देखेंगे हम। ये देखिए, कट से आवाज आ रही है, परफेक्टली हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, मूंगफली इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह फटाफट मिक्स करना है। अगर ये इसी में हार्ड हो जाएगा तो हमें बेलने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हमें फटाफट से मिक्स करके थाली पर घी से इसको थाली को ग्रीस करेंगे, फिर हम इस पे बैटर को डालेंगे। ये देखिए, मैंने थाली को घी से ग्रीस कर लिया है। एक बेलन लिया है मैंने, बेलन को भी घी से ग्रीस कर लिया है। इस वक्त हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए ये सब पहले से हमें करके रखना चाहिए ग्रीस। ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए सेफ तरीके से आपको इसको फैलाना है। पहले हम थोड़ा सा इसको चम्मच से ही थोड़ा फैलाएंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा हमें फटाफट करना होता है, वरना हार्ड हो जाता है, फिर हमें बेलने में और काटने में दोनों में प्रॉब्लम होता है। बेलन को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे इस तरह हल्के हाथ से बेल लेंगे। फैला लेंगे हम इसे। पूरी तरह से फैलाने के बाद हम इस कटिंग के निशान लगा देंगे। सभी तरफ से हम इसे बराबर बेल लेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखे। आप चाहें तो इसे स्लैब पर भी बेल सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा के स्लैब को पहले थोड़ा साफ कर लें, फिर उसको उस पर भी इजीली बेल सकते हैं।
ये देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कटिंग के निशान लगा लेंगे। ये हम अभी लगा लेंगे नहीं तो बाद में ये कटेगा नहीं, जमने के बाद में हार्ड हो जाता है। ये सारे निशान लगा लेंगे हम। इसे ठंडा होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, फिर हम इसे टुकड़ों को अलग कर लेंगे। फिर आप किसी भी कंटेनर में भर लें इसे, ये महीने भर तक खराब नहीं होगा, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए 2 घंटे के बाद हमारी चक्की बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, बिल्कुल परफेक्ट चक्की बनी है। एक बार आप जरूर अपने घर में इसे ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।